यूपी के बांदा में आज एक युवक को गोली मारने का मामला सामने आया, जहां युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी हालत को गंभीर देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुरौली सपहाई गाँव का है, जहाँ के रहने वाले राम स्वरूप कुशवाहा और राम सागर कुशवाहा नाम के दो भाई जमीनी विवाद को लेकर के आपस में घर के दरवाजे पर झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा काफी देर तक चला, उसके बाद राम सागर का पुत्र अपने मित्र सुरेंद्र शुक्ला के साथ खेत की जुताई करने के लिए खेतों में चला गया, लेकिन यह बात राम स्वरूप के पुत्र अखिलेश को रास नहीं आई और उसने घर की छत पर जाकर चोरी के तमंचे से खेत में जुताई कर रहे सुरेंद्र शुक्ला को अपनी गोली का निशाना बना लिया, जिसकी वजह से युवक घायल हो गया। हम अपने खेत पे जा रहे थे ट्रैक्टर लेके, हमारा जमीन ये कब्जा किया हुआ है। हाँ। और ये अपना जमीन छोड़ा हुआ है। कौन कब्जा किया? राम स्वरूप ने। अच्छा, वो जो है तो हम वो अपने खेत से निकालने नहीं दिया, तो हम सरकारी सेक्टर से लेके जा रहे थे। जब सेक्टर से लेके गए तो उसके लड़के ने छत से गोली चला, अखिलेश कुमार ने गोली चला दी। अच्छा, राम स्वरूप के लड़का ने, अखिलेश ने गोली चला दी है। गोली चला दी तो किसकी गोली लग गई है? बबुआ शुक्ला के। सुरेंद्र की? सुरेंद्र। अच्छा, तो फिर कहाँ लेके आए हैं? बबेरू सरकारी अस्पताल। कौन लेके आया है? पुलिस गाड़ी के लेके आई है, शासकीय गाड़ी। अच्छा अच्छा, डॉक्टरों ने देखा है तो क्या बताया? डॉक्टरों ने देखा, बांदा लेके जाओ, बांदा रिफर कर दिया। जैसे ही लोगों को युवक के घायल होने की सूचना मिली, तत्काल घायल युवक को लेकर उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे। वहाँ पर डॉक्टरों ने युवक की हालत को गंभीर देखते हुए तत्काल बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार किया जा रहा था। एक यहां पे गुरौली सपहाई गांव है, जो बबेरू थाना के अंतर्गत आता है, बबेरू कोतवाली के अंतर्गत। उसमें एक आदमी आया था, सुरेंद्र कुमार शुक्ला, सनाब जगदीश प्रसाद शुक्ला, उम्र लगभग वही 22-24 साल रही होगी। उसको पीछे कंधे में पीछे साइड गोली लगा हुआ है। क्या उपचार, प्राथमिक उपचार यहाँ पे किया गया, इसके बाद बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजनों के द्वारा संबंधित घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया है कि बबेरू थाना क्षेत्र का एक मामला सामने है, जहां दो भाइयों के बीच में चक्रोड़ को लेकर के एक विवाद था, जिसको लेकर आज गोलीकांड जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। क्षेत्र में ग्राम गुरौली की घटना है ये। आज दो भाइयों के बीच में एक चक्रोड़ का विवाद है। एक भाई राम सागर, वो आज एक ट्रैक्टर लेकर के वहाँ पर चक्रोड़ के पास में वो गया था, शायद वो चक्रोड़ जोतना चाहता था, तभी उसका दूसरा भाई राम स्वरूप वहाँ पहुँच गया। दोनों आपस में विवाद करने लगे, ट्रैक्टर चालक वहीं खड़ा उनको विवाद का को देख रहा था। तभी एक रामस्वरूप का जो लड़का है वो वहीं पास में एक छत से जो है उसने फायर कर दिया, और संयोग से वो ट्रैक्टर चालक को ही जो है वो गोली जा कर के लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसको जिला चिकित्सालय उसको भेजा गया, जब जहां वो खतरे से बाहर है। अभियुक्त रामस्वरूप का जो लड़का है उसको तत्काल वहाँ मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, और उससे जो तमंचा है वो भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने वाला तमंचा भी युवक के पास से बरामद कर लिया गया। युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.